चलिए एक और बड़ी खबर, पंजाब के सीएम चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह को ईडी ने रिमांड पर ले लिया है। मोहाली कोर्ट ने 8 फरवरी तक हनी को ईडी के रिमांड में लिया है और यह खबर हमने आपको 7:40 पर सुबह ही दिखा दी थी, ये खबर कि कैसे चन्नी के भांजे को ईडी ने अपने रिमांड पर लिया है। 7:40 पर आपको ये ब्रेकिंग न्यूज TV9 भारतवर्ष ने दी थी कि मोहाली कोर्ट ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मोहाली कोर्ट ने 8 फरवरी तक हनी को ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अवैध खनन मामले में भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के सीएम चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह को ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है और चरणजीत सिंह चन्नी का भी इस पर रिएक्शन आया है। चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे, उन्हें कोई इससे दिक्कत नहीं है, कानून अपना काम करता रहे, ये चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा। लेकिन ये 7:40 पर आपको खुद TV9 भारतवर्ष ने यह ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर विक्रम मजीठिया की। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधा है और कहा कि पहले मनी पकड़ा गया, फिर हनी और अब चन्नी की बारी। तो देखिए कैसे अब यहां पर विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं चन्नी। पहले मनी पकड़ा गया यानी पैसा, फिर हनी यानी चन्नी का भांजा और अब चन्नी की बारी, वो ये कहते हुए भूपिंदर सिंह हनी के पैसे चन्नी के हैं, ये कहा है विक्रम मजीठिया ने, जो अकाली नेता है। सबके आगे रखी थी कि तीन लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी, वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है, और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है, ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है। और देखिए इस खबर ने अब पंजाब की सियासत को काफी गर्म कर दिया है। ईडी ने हनी को गिरफ्तार किया, चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे को रिमांड पर लिया, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अवैध खनन के मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी हुई तो सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस ने बिना देर लगाए राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता दिया। जो एजेंसीज है इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनका इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता है उनको उन पर प्रेशर डालने के लिए। लेकिन अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। चुनाव का वक्त है, गिरफ्तारी पंजाब के मुख्यमंत्री के भांजे की हुई है, इसीलिए राजनीति तो होगी ही, लेकिन खुद चन्नी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है। और चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी पर हमलावर कांग्रेस को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर उंगली उठाई तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, चन्नी के भतीजे के खिलाफ मामला 2018 में दर्ज किया गया था, उस वक्त चन्नी पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ईडी ने तो इस मामले में सिर्फ आगे की कार्रवाई की है। हनी के घर से 10 करोड़ रुपए की बरामदगी इस बात का सबूत है कि सीएम का परिवार रेत माफिया को संरक्षण दे रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र हनी को ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप है कि पंजाब में माफिया सरकार चला रहे हैं, चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी। और पंजाब में चन्नी एक और फ्रंट पर जूझ रहे हैं और वो है नवजोत सिंह सिद्धू। लगातार सीएम फेस को लेकर चन्नी और सिद्धू के बीच बन नहीं रही है और सिद्धू कुछ ऐसा बोल देते हैं जो चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। अब सिद्धू ने कहा है कि जनता चुनेगी और मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझो। उन्होंने कहा कि सीएम तो जनता चुनेगी या फिर विधायक चुनेंगे, और सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि जनता से चुनकर जो विधायक आते हैं वही सीएम चुनते हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि चन्नी सीएम फेस होंगे, उन्होंने कहा इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं कि जनता और विधायक चुनेंगे। कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, भरना किवें, तो कोई माफिया उन्होंने नहीं भर सकता, जिहड़ा माफिया दे विच लिपता उन्हें भर सकता है। कोई शराब बेचन वाला, कोई रेता चोर, कोई केबल चलाउन वाला, ठीक है कि नहीं, और कोई वड्डे माफिए नाल वड्डी पद्धर दे उत्ते यारी पाउन वाला और 75-25 वाला, वो नहीं सुधार सकेगा।
सब तो बड़ा अहम सवाल है लागू कौन करूँ, एजेंडा लागू कौन करूँ। एजेंडा लागू वही करूँ जिदे पल्ले किरदार हो, जिदे ते लोग भरोसा करते हो, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। जिथे तक मेरा सवाल है, ये मैं नहीं तय करना मित्रा, ये तय नहीं तय करना, लोग किनू ईमानदार मानते हैं। सवाल कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।